अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपनी एक वेबसाइट बना के उससे लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि कैसे कैसे क्या क्या तरीके हैं जिससे आपको वेबसाइट से पैसे मिलते हैं, कैसे कैसे आप पैसे कमाते हैं, आप वेबसाइट पर काम क्या करते हैं और सारी चीज़ें मैं आपको साथ साथ बताऊँगा। तो इससे पहले मैं वीडियो को स्टार्ट करूं आपको बता देना चाहता हूं कि एक तो ये वीडियो बिल्कुल लेजिट है, बिल्कुल सही है। आप कुछ मिनट्स लगाएं, आप पूरी वीडियो देखें और आपको समझ लग जाएगी कि ये वीडियो 100% ओके है। और दूसरी बात ये कि अगर आप इसी तरह की ओके वीडियोज़ और अच्छी वीडियोज़ लेना चाहते हैं तो ये रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, इस पर आपने क्लिक कर देना है और इधर बेल आइकन को दबा देना है और ऑल को सिलेक्ट कर लेना है। इससे क्या होगा, इससे मैं आपको बता देता हूँ कि इससे जो है आपको लेटेस्ट वीडियोस जो मेरी इसी बारे में मैं अपलोड करता हूँ तो जो भी वीडियो अपलोड करूँगा वो आपको मिल जाएगी। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं भाई कि वेबसाइट होती क्या है। वेबसाइट का आपको पता है जिस तरह यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, गूगल हो गया। अब ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ है ना, ये कोई इसी तरह इन्होंने सारे ऐप्स नहीं थे बनाए, ये स्टार्ट एक वेबसाइट से ही हुई थी। यूट्यूब हो गया, गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया या जो भी है, ये एक वेबसाइट से स्टार्ट हुई थी और अभी ये मिलियन डॉलर्स बिलियन डॉलर्स कंपनी बनी हुई है। लेकिन ये कोई यूनिक आइडिया था और इस पर पैसे बहुत ज़्यादा लगे थे। और आपके पास मिसालें हैं जैसा कि है propakistani.com हो गया, या आप कुछ भी गूगल पे सर्च कर लेते हैं हाउ टू क्रिएट, चलें यही सर्च कर लेते हैं आ वेबसाइट, तो हमारे पास कुछ ऐसे रिजल्ट्स आ जाते हैं। अब ये जितने भी रिजल्ट्स आ रहे हैं और ये अब हमारे पास तरीके आ गए हैं कि हम वेबसाइट कैसे बनाएं। नीचे अगर आप देखें तो ये है, ये है, ये है, ये सारे जो है हमारे पास तरीके आ गए हैं कि हम कैसे वेबसाइट बना सकते हैं। अब ये जो है मैं आपको बताता हूँ कि ये जो तरीके बता रहे हैं ना, ये ब्लॉग्स हैं जो के तरीके बता रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये फ्री में इतना ज़्यादा लिख के इन्फॉर्मेशन क्यों देते हैं, ये इसी इन्फॉर्मेशन के ज़रिए पैसे कमाते हैं और ये मैं बताऊँगा कि आप कैसे इधर सर्च पे आके आप पैसे कमा सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा, आपको एक वेबसाइट बनानी होगी, ब्लॉग वेबसाइट बनानी होगी। लाइक मैं आपको बता देता हूँ, इस तरह की आपको एक वेबसाइट बनानी होगी, आपको कुछ इस तरह की वेबसाइट बनानी होगी जिस पे आप ट्यूटोरियल्स और ट्रिप्स और ट्रिक्स अपलोड करेंगे। ये कोई मुश्किल बात नहीं है, ना कोई कोडिंग रिक्वायर्ड है, बिल्कुल आप आसानी से बना सकेंगे। इस तरह की वेबसाइट बनानी होगी और आप वो वेबसाइट बना लेंगे, उस पर अपलोड करेंगे और उस पर जो है फिर आपके इस तरह एड्स शो होने लग पड़ेंगे, फिर जितने लोग आपकी वेबसाइट को देखेंगे उतनी आपकी अर्निंग होगी। अब अर्निंग का एक तो एड्स हो गया, काफ़ी ज़्यादा तरीके हैं। अब आपको ये समझ लग गई कि वेबसाइट क्या होती है और ये इसे क्या क्या सीन है इसका। अब पहले बात कर लेते हैं उसके बाद हम कि इससे आप पैसे कैसे कैसे कमा सकते हैं। तो मैं इधर पैसिव इनकम कैलकुलेटर पर आ गया और कितने कितने कमा सकते हैं वेबसाइट से पैसे, ऐसे ब्लॉग वेबसाइट से पैसे कमाने के बेसिकली दो तरीके हैं। अब पहला तरीका जो है वो है एडसेंस। इधर आपने ये एड्स देखे होंगे, ये वाले जो एड्स हैं, अब एडसेंस से आप कितने पैसे कमा सकते हैं। अब एडसेंस से अगर आप एवरेज बात करें, नीचे वाली मैट्रिक्स हम एवरेज लगा देते हैं और इधर लगा देते हैं हम 100 विजिटर स्टार्टिंग में। अगर आप 100 विजिटर दिन का लेके आते हैं तो आपको $2.54, मतलब आप लगभग 400 रुपया पर डे जो है वो कमाते हैं 100 विजिटर पे बस। और 100 विजिटर लाना कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर आप 1000 विजिटर लेके आ जाते हैं, क्योंकि अगर आप महीना डेढ़ काम करते हैं दो वेबसाइट पे, तो आपके लिए 1000 विजिटर्स लाना कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर आप दिन के 1000 विजिटर्स लेके आते हैं वेबसाइट पे, तो आपके $25 पर डे बनते हैं, $25 पर डे। और $25 पर डे आपको पता है कितने होते हैं, ये अबाउट 4000 रुपीज़ पर डे होता है। और ये अभी एक तरीका है इससे इनकम करने का। अब जब आपका एक साल हो जाता है और आपके 10000 विजिटर पर डे हो जाते हैं, इन मैट्रिक्स को भी थोड़ा काम कर लें, पेज व्यूज को आप टू कर लें, जितना मर्जी काम कर लें, फिर भी आपका $172 पर डे बनता है। $172 पर डे मतलब 25000 पर मंथ। ये फैक्ट्रियाँ भी इतनी इनकम नहीं देती, ये जो छोटे लेवल पर हैं। अब एडसेंस का हो गया। दूसरा जो तरीका है वो है एफिलिएट मार्केटिंग। इसमें क्या होता है कि आप किसी प्रोडक्ट का रिव्यू करते हैं। अब मैं इधर आता हूँ तो मैं अगर इसका एक ऐप का रिव्यू करता हूँ, मतलब मैं ट्विच ऐप का या एक मोबाइल फ़ोन का या एक ऐप का रिव्यू करता हूँ और मैं कहता हूँ कि आप मेरे लिंक से जाके चीज़ को बाय करें और उस समय से आपको जो है
30-40% कमीशन मिलती है। अब मैं एक लैपटॉप कोई मान लीजिए रिव्यू करता हूँ और उसकी प्राइस है 20,000 और जो कंपनी है उससे मैं बात कर लेता हूँ कि ये लैपटॉप अगर मेरे दिए गए लिंक से, बात करने से मुराद है कि आपको साइन अप काफ़ी ज़्यादा वो वेबसाइट से अमेज़ॉन होगी, दराज होगी, वो आपका हो जाता है, वो आपको एक अकाउंट बना देते हैं और उधर से आपने जो भी प्रोडक्ट लेना है उसका आपको एक अलग से लिंक देते हैं, उस लिंक से जाके जो भी बाय करता है तो आपको 20-30% उसका जो प्रॉफिट है वो आपको मिलता है अगर आपके लिंक से जाके बाय करता है। तो ये एफिलिएट मार्केटिंग होती है। और अगर इससे हम बात करें, अगर हम 100 विजिटर पर डे करें तो हमें $9.90 पर डे मिलते हैं। और अगर हम इसके 10,000 विजिटर कर दें, ये देखें $9.90, मतलब $1,000 के करीब हमें जो है ₹1,00,000 एक दिन का। तो ये है एफिलिएट मार्केटिंग और ये है ब्लॉगिंग। इससे इतनी ज़्यादा अर्निंग हो सकती है। अब आप हिसाब लगा सकते हैं कि ब्लॉगिंग क्यों लोग कर रहे हैं और कैसे उससे पैसे कमा रहे हैं। अब ये तो आपको पता चल गया पैसे कैसे कमाए जाते हैं, कितने कमाए जाते हैं, कैसे नहीं अभी कितने कमाए जाते हैं और प्रूफ आपको पता चल गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि वेबसाइट बनानी कैसे है। तो वेबसाइट बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। वेबसाइट बनाने के लिए एक तो डोमेन नेम और होस्टिंग इंपॉर्टेंट है। डोमेन नेम और होस्टिंग कहाँ से आपने ख़रीदनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको चले जाना है webifiedhub.com/postbreak के ब्रेक पे। वैसे ये दूसरे क्रेडिट डेबिट कार्ड से मिलती है। अगर आपने इजी पैसा जैस कैश से ख़रीदनी है तो आपने webifiedhub.com/postbreak पे चले जाना है और उधर से डोमेन नेम और होस्टिंग खरीदनी है। अब डोमेन नेम और होस्टिंग क्या होता है। डोमेन नेम जो है वो आपकी वेबसाइट का नाम होता है, जिस तरह ये है postbreak.com, ये एक वेबसाइट का नाम है। या फिर आपका हो गया उसके साथ साथ आपका, और मैं आपको बता देता हूँ, हाँ google.com हो गया, facebook.com होगी, ये डोमेन का नाम है। और एक होता है कंप्यूटर जिस पे आपकी सारी फ़ोटोज़ पेजेस सारे वेबसाइट के स्टोर्ड होते हैं और वो इंटरनेट से 24/7 कनेक्टेड होता है, तो वो कंप्यूटर एक होता है। तो वो जो है वो कंप्यूटर आपका आपको ख़रीदना होता है, एक साल पर ईयर के लिहाज से वो ख़रीदते हैं। तो आपने इधर आके जो है एक डोमेन नेम और होस्टिंग ख़रीद लेनी है। और फिर अगर आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो अगर आप YouTube पे इधर सर्च करें ट्यूटोरियल हाउ टू क्रिएट अ वर्डप्रेस ब्लॉग उर्दू, क्योंकि उर्दू उसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे, तो इधर आपको इतने ज़्यादा ट्यूटोरियल मिल जाते हैं जिनमें बताया जा रहा है कि आप वर्डप्रेस का ब्लॉग कैसे बना सकते हैं। अब आपने इधर से ख़रीद ली और वर्डप्रेस का ब्लॉग बना लिया और आप उस पे से ब्लॉगिंग करना स्टार्ट कर दी, अकाउंट बनाते हैं, उसके बाद एडसेंस अप्रूव करवाते हैं और आप अर्निंग स्टार्ट कर देते हैं। और अगर देखें मेरी बात सुने, अगर आप एक दफ़ा इधर जाएं, आप एक दफ़ा देखें कि कैसे ब्लॉग बनाते हैं, क्या क्या इसका सीन है, अगर तो आपको समझ आती है कि कैसे ब्लॉग बनाते हैं। वैसे मैं भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आप वीडियो का, जो बेस्ट वीडियो है कि कैसे आप ब्लॉग बना सकते हैं, अगर तो आपको समझ आती है तो ठीक है, नहीं तो मैं जो है वेबसाइट डेवलपमेंट और SEO सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। क्योंकि आपकी वेबसाइट बनाना सिर्फ बड़ी बात नहीं है, उसके साथ साथ उसे रैंक करना भी मेन चीज़ है, गूगल पे और डिफरेंट चीज़ें इसमें होती हैं। अगर तो आप कंफर्टेबल हैं, अगर तो आप टेक के बारे में जानते हैं, टेक्नोलॉजी टेक्निकल बंदे हैं, तो फिर तो सही है। लेकिन अगर आप वेबसाइट बनाना नहीं जानते या आपको इनकी समझ नहीं आती, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं कि आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर मिल रहा होगा, आप मुझसे कॉन्टैक्ट करें और मैं आपको एक अफोर्डेबल प्राइस पर वेबसाइट बना दूँगा। अब आप मुझसे कॉन्टैक्ट कैसे कर सकते हैं कि आप व्हाट्सएप पर जाएँ और मुझे बताएँ कि आपको यार ये वेबसाइट बना, या आप मुझे बताएं यार मुझे ये वेबसाइट बनवानी है। और अगर आपके पास 15,000-20,000 तक का बजट है तो मैं आपको वेबसाइट बना के उसमें सारा कुछ सेटअप करके दे सकता हूं। तो उसमें फिर आप साथ में अर्निंग स्टार्ट कर देंगे। अगर आप इसमें, मैं आपको सैंपल दिखा देता हूं, ये जो वेबसाइट्स मैंने बनाई हैं, अब देखें ये कुछ वेबसाइट्स हैं, क्योंकि इंटरनेट स्पीड स्लो है तो इमेजेस नहीं लोड हो रही। ये कुछ वेबसाइट्स हैं जो कि मैंने बनाई हैं और इससे जिनके लिए बनाई हैं वो इससे काफ़ी अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। ये वेबसाइट मैंने बनाई नहीं है, मेरे काफ़ी अजीज़ दोस्त हैं उनकी वेबसाइट है। लेकिन इस तरह की अगर आप वेबसाइट बनवाना चाहते हैं या फिर इस तरह की वेबसाइट बनवाना चाहते हैं तो आप कॉन्टेक्ट कर लें और आपकी जो वेबसाइट है वो बन जाएगी। तो
उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलेंगे कि नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप बनाना चाहते हैं, खुद बनाना चाहते हैं अपनी वेबसाइट ब्लॉग, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जो डोमेन नेम और होस्टिंग है वो इनसे खरीदें, क्योंकि ये जो है बेस्ट होस्टिंग प्रोवाइडर इन पाकिस्तान है। थैंक यू सो मच। अल्लाह।